आइए देखते हैं सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। पॉलिनोमियल ये दिया हुआ आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 3, बी की वैल्यू मिल जाएगी -1 और सी की वैल्यू मिल जाएगी -4। ठीक है, आपको करना क्या है, इसको 0 के इक्वल लेट करना है। तो 3x² - x - 4 = 0। अब आपको करना क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 3 4 का कितना होता है 12। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, माइनस का 4x प्लस का 3x ले लीजिए। अब आप चाहें तो इस -4 को इधर लिख दो और 3 को इधर। ऐसा करने से होगा क्या, देखो 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा, 4 में से 4 कॉमन आ जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस का 3, यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस का 4। ठीक, तो अरे इधर ही तो है, दोनों चीज़ें इधर ही तो है, उधर थोड़ी लेकर गया। साइन कहाँ चेंज किया, ये -4 ही तो लिखा था, यहाँ पर -4 ही तो लिखा है, साइन कहाँ चेंज किया। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें बेटा 3x इधर ले लीजिए, क्या बचेगा x + 1। जब 3x का 3x कॉमन निकल जाता है तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का 4, क्या बचा x + 1। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ज़रा देखिए, x + 1 और यहाँ पर 3x - 4। अब आप मुझे ये बताइए कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब यहाँ से x = -1 ले लीजिए, ये प्लस का उधर जाकर माइनस, यहाँ से 3x, ये माइनस में है उधर जाकर प्लस, 4/3। इसका मतलब जो पहली वैल्यू है वो है अल्फा, और दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब जरा देखिए, अब मुझे बतानी है इसकी रिलेशनशिप्स। पहली रिलेशनशिप है बेटा अल्फा प्लस बीटा, विच इज -b/a। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -1 प्लस, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4/3। एलसीएम लीजिए, -3 + 4/3, एलसीएम लेना आता है ना भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 1/3। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या, -b/a। -b की वैल्यू कितनी है, ज़रा देखिए, -1 और a की वैल्यू है 3, तो 1/3। देख सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाइए सेकंड रिलेशनशिप पे। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, α/β = c/a। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो क्या है, α/β, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3। आंसर कितना आ जाएगा, -4/3। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड है c/a, c की वैल्यू कितनी है, -4 और a की वैल्यू कितनी है, 3। अभी भी देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। बताइए कोई दिक्कत। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज नोट इट डाउन।